हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में लक्ष्मी माता को स्थायी रूप से कैसे रखें। जैसे कि घर में कुछ ठीक से नहीं चल रहा होता है, तो हमें कुछ ऐसे करना चाहिए कि लक्ष्मी माँ हमारे घर में स्थायी रूप से रुक जाए। तो गाइस, मैं आपको आज दिखा के बताऊँगी करके कि एक एक दो ट्रिक्स है ऐसे कि आप कर सकते हैं वो। और वो विधि ऐसे करते हैं कि हमें बोलना होता है कि एक पत्थर ले, कौन सा भी पत्थर ले सकते हैं, और उसे हम डस्टबिन, कचरे का जो डस्टबिन रखते हैं उसमें हम बोल सकते हैं। वहाँ पे हम बोलेंगे कि लक्ष्मी माँ आ गई हैं और आप चली जाओ। तो दरिद्रता जो होती है वो चली जाती है और लक्ष्मी माँ स्थायी रूप से रुक जाती है। तो ऐसे 7 बार बोलने हैं और पत्थर नीचे ज़मीन पे पटकने हैं और 1 बार बोलना है और फिर से दोबारा ज़मीन पे पत्थर पटकने हैं। ऐसे करके 7 बार और 7 दिन कर सकते हैं। और 7 दिन करने के लिए आप दिवाली के 7 दिन भी पहले कर सकते हैं, और ये कभी भी कर सकते हैं। अगर दिवाली में करेंगे तो और अच्छा होता है। और ये विधि रात को अगर 12 बजे करेंगे, 12 बजे करेंगे तो और अच्छा है, नहीं तो आप सब लोग सोने के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो हम अभी दिखाते हैं कि हम कैसे करना चाहिए हमें। तो गाइज, हमारा डस्टबिन किचन में रहता है यहाँ पे, और मैं अभी करके दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। तो जैसे अभी 12 बजने को आया है, तो हम अभी करेंगे, बोलना है कि लक्ष्मी माँ आ गई है और आप चली जाओ, और फिर ऐसे पत्थर पटकने हैं। फिर से बोलना है लक्ष्मी माँ आ गई है, आप चली जाओ। ऐसे करके 7 बार बोलने हैं और फिर हमें इसे 7 दिन तक करने हैं। तो गाइस, इतना कोई सा छोटा सा पत्थर भी ले सकते हैं आप, रास्ते का भी पत्थर रहता है उधर से भी ले सकते हैं। कौन सा, इतना छोटा सा है ये, तो आप कौन सा भी ले सकते हैं ये विधि करने के लिए। तो इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, तो गाइस सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।